नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज रूम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सचिन कुमार। देखिए, वैसे तो किसी भी मसले पर बेबाक राय रखने की आजादी हमें हमारा संविधान देता है, जिसे हम अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। अब आप चाहे उसकी भत्सरना करें या प्रशंसा, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन शायद कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी का सहारा लेकर हिंसा पर उतरना चाहते हैं, अभिव्यक्ति की नौका पर सवार होकर मरने मारने की बात करते हैं। अब चलिए, मान लिया कि आप किसी के विचारों से असहमत हो सकते हैं, या उन विचारों ने आपकी भावनाओं को चोटिल किया हो या आपको गहरा आघात पहुंचाया हो, तो संविधान में इसका भी प्रावधान है। आप उस व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने हेतु न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाइए। लेकिन अब अगर आप किसी के विचारों की असहमति के फल स्वरूप मरने मारने पर उतर आए, तो आप ही बताइए कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए कि नहीं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है कि बिना किसी मसले से रूबरू कराने से पहले ये लंबी चोरी भूमिकाएं रचाई जा रही है, जरा कुछ खुलकर बताएंगे। तो चलिए, अब हम आपको पूरा माजरा तफसील से बताते हैं। तो माजरा ये है कि त्रिपुरा के बीजेपी विधायक शंभूलाल चकमा को वीडियो वायरल कर पहले तो गाली दी गई और फिर उन्हें जान से मारने की धमकी। यह वीडियो काफी वायरल हुआ है। वीडियो में वो शख्स हाथ में चाकू लिए नजर आ रहा है और धमकी भरे लहजे में विधायक से कह रहा है कि वो उसे उसी चाकू से मार देगा। वीडियो में उसके हाव भाव साफ बता रहे हैं कि वो विधायक पर बुरी तरह भड़का हुआ है। चलिए, अब यह भी जान लीजिए कि आखिर क्यों वह शख्स विधायक को मारने पर उतारू हो रहा है। तो इसलिए दे रहा है जान से मारने की धमकी। दरअसल विधायक ने बीते दिनों राज्य में मदरसों को बंद कराने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मदरसों में तालीम के बहाने आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। इतना ही नहीं, विधायक ने त्रिपुरा सरकार से असम सरकार की तर्ज पर मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। विधायक के इसी बात से खफा हुए राज्य के मुस्लिम संगठनों ने उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उनके बयान से नाराज त्रिपुरा मदरसा शिक्षक संघ और कुछ अन्य मुस्लिम संगठनों ने कार्रवाई की मांग की थी। TMTA ने विधायक से उनके बयान का सबूत पेश करने को कहा था। कई मुस्लिम संगठनों की आपत्ति के बाद जब यह वीडियो सामने आया तो सभी के होश फाख्ता हो गए। उधर पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए उस शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। धलाई जिले के SP रमेश यादव के मुताबिक केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। धमकी देने वाले आरोपित के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जानकारी जुटा ली गई है। आरोपित को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। अब ऐसे में यह पूरा माजरा क्या रुख अख्तियार करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी।